वियतनामीज हॉरर मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है और यह मूवी एक एक्ट्रेस पर आधारित है जो दूसरे का फेस ब्लैक मैजिक से चुरा लेती है और उसे बिना फेस स्किन का ही बांध कर रखती है। यह एक्ट्रेस कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करती है आज हम इस मूवी के एक्सप्लेन में जानेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम कई फ्रेंड को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और बाहर तूफानी रात थी और तभी कोई बाहर से गेट को नॉक करता है। लैन जाकर दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर उसका दोस्त था जो बारिश में भीग गया था। लैन अपने वाइफ से के लिए कपड़े लाने के लिए कहती है और फ्रेंड कहते हैं आज की रात तूफानी है इसलिए हमें घोस्ट हॉरर स्टोरी सुनना चाहिए और वो कौन सुनाएगा। क्वांग एक हॉरर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है जिसमें एक एक्ट्रेस जो काफी पहले खूबसूरत और हॉट थी एक बार वह एक्ट्रेस किसी शॉप पर गन्ने का जूस पी ली थी तो वह गन्ने वाला उस एक्ट्रेस की फोटो अपने शॉप पर पेंटिंग करवा दी तो शॉप का ऑनर काफी फेमस हो गया। वही पिक और भी शॉप वाले ने कॉपी करके अपने शॉप पर बनवा दिया जो एक्ट्रेस काफी फेमस हो गई। एक दिन किसी आदमी ने उसके फेस पर एसिड फेंक दिया और उसका फेस उस दिन से खराब हो गया और वह एक्ट्रेस उस दिन लापता हो गई। काफी दिन बाद नोक के घर में एक एक्ट्रेस रह रही थी। उसने दो लड़कियों को असिस्टेंट एक्ट्रेस के लिए अपने पास रखी थी। नोक उन दोनों को एक्ट्रेस को कहती है एक्ट्रेस बनने के लिए हमारा फेस और बॉडी पब्लिक हो जाते हैं इसलिए हमें हमेशा इसका फेस और बॉडी का केयर करना चाहिए। उस रात यह बात नोक अपने बॉयफ्रेंड को बताती है तो और दोनों सो जाते हैं। नोक को आधी रात को नाइट मिरर आने से उसकी आँख खुल जाती है। वह पूरी तरह डर रही थी। अगले दिन नोक को पता चलता है उसकी फ्रेंड उसकी बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया है जो दोनों में फाइट हो जाती है। नोक की पर्स नीचे गिर जाती है। जब वह पर्स को उठा रही थी तब उसके गेट के सामने लॉन का घोस्ट नजर आता है तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। जब नोक होश में नजर आती है तो वह अपने आप को नोक के घर में पाती है और वह काफी देर से रहने पर वह एक्ट्रेस से रिक्वेस्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर वह अपना पर्स नोक के घर में छोड़ आई। नोक जब पर्स को लेने के लिए जाती है तो वह नोटिस करती है कि नोक के घर के दरवाजा लॉक है और उस घर से कुछ अजीब आवाजें चीखने की आती हैं। तो नोक घर जाती है तो यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि हमने नोक के घर में चीखने की आवाज सुनी है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है तो कुछ जरूर गड़बड़ है और लान के घर में नोक क्यों रह रही है यह भी काफी अजीब है। दूसरे दिन नोक के घर में जाती है तो नोक कहती है अब से तुम हमारे पास ही रहोगी। यह बात नोक सुनकर काफी खुश हो जाती है और वह नो को कहती है अब वह अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है। नो के उसके घर में रहने के लिए कहती है तुम्हें ऊपर नहीं जाना है और देर रात तक गेट के बाहर नहीं जाना है और उसे कुछ खाने के लिए देती है और उसे जल्दी सो जाने के लिए कहती है और सुबह नो को डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है और हम उनके लिए फिल्म बनाएंगे और नो को कुछ दिन बाद मीडिया से भी इंट्रोड्यूस करवा देती है। नो अपना घर भी नो के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था जो नोक को काफी अजीब लगता है। रात में अब अपने कमरे में सोती है तो उसे फिर बाहर चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब नोक बाहर जाकर देखती है तो नोक अपने फेस की स्किन को उतार रही है। यह देखकर नोक काफी डर जाती है और अगली सुबह नोक की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बदा हुआ पाती है। दूसरे दिन नोक को नोक सूप देती है तो उस बार नोक सूप को नहीं पीती और लेट नाइट नोक की फेस की स्किन को उतारते हुए नोक देख लेती है। इससे पहले नोक रूम में जाती हुई वह उसे पकड़ लेती है। नोक होश आने पर वह खुद को एक सीक्रेट रूम में पाती है जो उसका हाथ बंधा हुआ होता है। वह वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसके चेहरे की स्किन नहीं होती। वह काफी डरावनी होती है। नोक उसको देखकर डर जाती है। नोक वहाँ आती है तो नोक उससे हेल्प मांगती है जिस पर वह लेडी बताती है यह नोक नहीं है बल्कि लान है जिसने मेरा फेस चुराकर वह ब्लैक मैजिक के द्वारा उपयोग कर रही है और किसी को भी कुछ भी पता नहीं है और अब बारी नोक की है जो ब्लैक मैजिक के द्वारा नोक को फेस की स्किन उतारेगी और नोक किसी भी फेस की स्क्रीन ले सकती है और बताती है कि यह नोक नहीं बल्कि लान है जो 20 सालों से मेरी स्किन यूज कर रही है लेकिन अब नोक की बारी है जो 20 साल तक तुम्हारी स्किन को यूज करेगी। यह बात सुनकर नोक डर जाती है और नोक कहती है अभी तक किसी को शक क्यों नहीं हुआ लान का फेस
इंग्लिश यूज कर रही है। इस पर नू कहती है, लान बड़ी होशियारी से ब्लैक मैजिक से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। जब नू के फेस पर अपनी स्किन लगाने जा रही थी, तब नू अपने बधे रस्सी को खोल लेती है और वह उस रूम से भाग जाती है। पर अफसोस, घर के सभी दरवाजे लॉक थे और लान वहाँ पर पहुँच जाती है। नू लान को देखकर अपने फेस पर कांच से कट कर लेती है ताकि लॉन उसकी फेस यूज न कर सके। इस बात को लॉन को काफी गुस्सा आ जाती है और नोक अब उसी कांच से उसे स्टेप करके मार डालती है। नोक किसी और हाथ होती है। इसी पर यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।